भाजपा सरकार की तुच्छ नीतियों को लेकर बलिया जनपद के रसड़ा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जताया, जहां कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों की फसलों को लेकर या किसानों की और भी समस्याओं को लेकर या युवाओं की बेरोजगारी पर पूरा प्रदेश मार झेल रहा है, जिसके चलते इन लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन जताया। शंकर यादव, मैं विजय शंकर यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रसड़ा बलिया, सदस्य जिला पंचायत। सैकड़ों की संख्या में हम लोग इस सरकार के खिलाफ आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जो देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल खड़ा हो गया है, देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे देश के जितने जितने छोटे छोटे कल कारखाने काम करने वाले लोग, आज देश अराजकता की तरफ जा रहा है। और मेरा ये मानना है, इसका मूल कारण ये है कि जब भी इतिहास के पन्नों में जाइए आप, जब भी देश में तानाशाही बढ़ी है और हमारा शासक, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, जब शासक तानाशाह हुआ है तो वह देश रसातल में गया है। आज के डेट में मोदी और योगी और अमित शाह के शासनकाल में, जो 6 साल से केंद्र में सरकार चल रही है, इनके शासनकाल में देश में तानाशाही बढ़ी है और मेरा मानना है कि देश आज तानाशाही की तरफ जा रहा है। और अब इस देश को 130 करोड़ लोगों के जीवन की रक्षा, इनके खाने पीने का इंतजाम, इनके भूखमरी के का ख़त्म वो करना, इनके बच्चों को रोजगार दिलाना, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है और इसको हम सड़क पर निकल करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम बधाई देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उन्होंने ऐसे समय में, जब देश संकट की घड़ी में से गुजर रहा है, हमको ललकारा है, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए आह्वान किया है। दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, आज कोरोना का संकट काल से देश गुजर रहा है और ऐसे समय में हम कोई धरना प्रदर्शन लिखित रूप से हमको अनुमति नहीं मिलेगी, नहीं तो जो स्थानीय स्तर पर हमारे जो पुलिस के लोग मांग हमारी तमाम, भाई युवा से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर, नौकरी से लेकर, जो संविदा है, जो बिजली की दरें हैं, जो डीजल आसमान छू रहा है, जो खाद बीज महंगा हो गया है, जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2022 आते आते हम किसान की आय दुगुनी करेंगे, क्या इसी तरह से 80 रुपया पेट्रोल और 85 रुपया पेट्रोल और 80 रुपया डीजल बेचने से किसान की आय दुगुनी? समय में इलाहाबाद में 6 साल के लोग पीटे जा रहे हैं, इसके बारे में ये तो थाने के अंदर अभी हमारा एक साथी भाषण दे रहे थे कि थाने के अंदर पहली बार मैंने देखा है, मैंने भी देखा है कि पहली बार 151 में बंद ले आ करके दोनों पक्षों को लाठी से पीट करके पैसे वसूले जा रहे हैं। मानवर, मैं क्या इससे अधिक कहूँ, आप लोग देख रहे हैं, फिर भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग अपनी कलम खोल करके और अपने उसको चलाइए आप लोग।